एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम जा रहे हैं माघा सेंटर, जो कि न्यूशैतल कैंटन का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। और एज यू ऑल नो दैट क्रिसमस इज़ ओवर और हर जगह पे सेल्स लगी हुई हैं, बहुत ज़्यादा रिडक्शन है प्राइसेस में। सो वी थॉट कि आज हम आपको लेके जाएं अपने साथ और आपको स्विट्जरलैंड का एक मॉल घुमाएं, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो प्राइसेस का। और या स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। सबसे पहले मॉल में एंटर होते ही एक आर्टिफिशियल आइस स्केटिंग ट्रैक था बच्चों के लिए, और छोटे बच्चों के लिए ज़रूरी था कि उनके पेरेंट्स या कोई और एडल्ट उन्हें अकंपनी करे। सो आई हैड टू गो, और मैं बहुत आहिस्ता और बहुत आराम से जा रही थी इसलिए, बिकॉज़ इट वाज़ माय फर्स्ट टाइम, और इससे पहले मैंने इस तरह की एक्टिविटी कोई की नहीं थी कभी। और ऑफकोर्स साथ में आई हैड टू लुक आफ्टर माई सन एज़ वेल, कि कहीं वो ना गिर जाए, उसे चोट ना लग जाए। सो दैट्स वाई आई वॉज़ गोइंग सुपर स्लो और बहुत आराम से, बहुत केयरफुली। इवन दो हम लोग जब गए तो क्रिसमस ख़त्म हो चुका था उस वक्त तक, बट स्टिल दे हैड ऑल द प्रिटी क्रिसमस डेकोरेशन गोइंग ऑन। और मुझे पर्सनली ये जो सारी एक वाइब होती है हॉलीडे सीजन की, ये अच्छा लगता है देखना, ऑल द फेस्टिविटी और लाइटिंग डेकोरेशंस होती हैं अच्छी अच्छी, सब ये जो ब्राइट कलर्स होते हैं, ऑर्नामेंट्स वगैरह, ये सब अच्छा लगता है मुझे देखना। और इन्होंने भी एज यू गाइस कैन सी कि क्रिसमस ट्रीज थे, लाइट्स लगी हुई थी उसके ऊपर, और साथ में इन्होंने एक ये इफेक्ट दिया हुआ था फेक स्नो का, ये वाइट कलर की एक चीज़ यूज़ करके। और यहाँ पे अभी एक स्नोमैन आ गया, ये भी अच्छा लग रहा था। साथ में एक छोटा सा घर है, उसके ऊपर उन्होंने इफेक्ट दिया हुआ है कि वो बर्फ़ गिरी हुई है उसके ऊपर। और साथ ही साथ ये एक बड़ा सा क्रिसमस ट्री था, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। ऑर्नामेंट्स लगे हुए थे बहुत प्यारे, लाइटिंग थी, और एज यू गाइस कैन सी के बच्चे पीछे वो गिर रहे हैं, बिकॉज़ इट वाज सो स्लिपरी जो ट्रैक था, और बहुत केयरफुल होके जाना पड़ रहा था सबको। अब ये साथ ही कुछ बेयर्स आ गए, ये अच्छे लग रहे थे। कुछ लकड़ियाँ रखी हुई हैं, साथ में ये पीछे रेड कलर का नट क्रैकर आ गया। सबसे पहला स्टोर जहाँ पे हम गए, इसका नाम है ग्लोबस, और ये स्विट्ज़रलैंड का द मोस्ट एक्सपेंसिव चेन स्टोर है। और सभी शहरों में, सभी बड़े शॉपिंग मॉल्स में आपको इनके आउटलेट्स मिल जाएंगे। और जो भी चीज़ें यहाँ पे हैं इनके पास, चाहे वो कपड़े हैं, मेकअप है, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, जो भी चीज़ें हैं वो सभी हाई एंड ब्रांड्स हैं। एंड दे वर ऑफरिंग 30% ऑफ ऑन सिलेक्टेड आइटम्स, बट स्टिल 30% ऑफ के बावजूद इट वॉज प्रिटी एक्सपेंसिव। अब हम आ गए ग्लोबस के होम डेकोर के सेक्शन में। ये सब क्रिस्टल के कैंडल होल्डर्स थे, बहुत अच्छे, बहुत नाइस कलर्स थे सभी। और इसके अलावा कुछ ही और डेकोरेशंस थी, और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये ग्लोबस का सेल का जो होम डेकोर का सेक्शन था, ये वो है। और इसके अलावा एक ये वाइट कलर का पीकॉक था, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। और ये थोड़ा सा मैंने फ्रंट से क्लिप फिल्म किया आपको दिखाने के लिए, और बाकी की जो भी डेकोरेशन आप देख रहे हैं ये सब सेल में थी। और क्रिसमस क्योंकि ख़त्म हो गया है तो क्रिसमस ट्रीज़ लगे हुए थे जो कि अब सेल में आ गए थे, ऑर्नामेंट्स थे, क्रिसमस से रिलेटेड जितनी भी डेकोरेशन थी अब वो सब सेल में आ गई थी। इसके बाद ये लेडीज़ का एक सेक्शन था सेल का, ये स्कार्फ्स लगे हुए थे सभी फैब्रिक्स के, सभी स्टाइल्स के, सभी टाइप्स के स्कार्फ्स थे यहाँ पे। और ये मैंने स्पेशल एक क्लोज़अप लेके फिल्म किया है क्लिप थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए। इनकी जो ओरिजिनल प्राइस थी स्कार्फ्स की 169.90 स्विस फ्रैंक्स थी, जो कि मोर देन 20,000 रुपीज़ बनता है।
पाकिस्तानी करेंसी में। और इसके अलावा ये बैग्स थे, कुछ शोल्डर बैग्स हैं, क्रॉस बॉडी बैग्स हैं, सभी स्टाइल्स के, सभी कलर्स के बैग्स हैं यहाँ पर, सभी हाई एंड ब्रांडेड बैग। अब हम आ गए थे कॉस्मेटिक्स का और परफ्यूम्स का जो सेल का सेक्शन था वहाँ पे, और जितने भी यहाँ पे परफ्यूम्स के सेट्स थे, मेकअप के सेट्स थे, ये सब 30-40% ऑफ था इन सब पे। जैसे ये वाला था, ये 40% ऑफ था, और इसके अलावा कुछ सेट्स थे जो कि 30% रिडक्शन थी जिन पे, और सभी तरह की चीज़ें थी, स्किन केयर की प्रोडक्ट्स भी थी, ये क्लिनिक की कुछ प्रोडक्ट्स आ गई, ये कुछ लिप कलर्स थे यहाँ पे, लिपस्टिक्स वगैरह थी, और मेकअप से रिलेटेड सब स्टफ जो था सेल का वो यहाँ पे पड़ा हुआ था। यहाँ पे अब ये बैग्स का सेक्शन आ गया, ये सारी माइकल कोर्स की कलेक्शन थी, ये ब्राउन वाला बहुत अच्छा लगा मुझे, 389.90 फ्रैंक्स इसकी प्राइस है, और पाकिस्तानी मोर देन 40,000 रुपीज़ है। और ये कुछ ब्लैक बैग्स थे, ये बैग्स जो हैं ये सेल में नहीं थे, ये जो न्यू कलेक्शन है इनकी फुल प्राइस में थे, ये ब्लैक वाला 289.90 फ्रैंक्स का था, इसमें डिफरेंट साइजेस अवेलेबल थे। यहाँ पे अब ये कुछ क्रॉस बॉडी बैग्स आ गए थे, और ये कुछ और बैग्स थे डिफरेंट स्टाइल्स में, डिफरेंट कलर्स में, ये एक रॉयल ब्लू वाला था, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, कलर इसका बहुत मुझे अट्रैक्ट किया था, और इसकी प्राइस है 379.90 स्विस फ्रैंक्स। और इसके बाद ये पीछे ये सारी जो न्यू कलेक्शन है डिस्प्ले की हुई थी उन्होंने, और अच्छे लग रहे थे, कुछ स्प्रिंग कलेक्शन थी जो ब्लश पिंक और क्रीम कलर्स थे, ये भी सब बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छी नाइस कलेक्शन थी सारी। और ये जो हैं अब ये वॉलेट्स हैं, लेडीज़ वॉलेट्स हैं, ये भी सब माइकल कोर्स की कलेक्शन है। एक और स्टोर है एस्प्रिट या स्प्रिट, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करें, इनकी भी चीज़ों की क्वालिटी कपड़ों की और एक्सेसरीज़ की बहुत अच्छी होती है, और प्राइसेस अगर आप रूटीन में लेंगे, मतलब अगर सेल नहीं है, फुल प्राइस में आप चीज़ें ख़रीदेंगे, तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा बहुत महंगा लगेगा आपको, और महंगा होता है। लेकिन अगर आप सेल में लें, जैसे ये जैकेट्स लगी हुई थी 129.95 स्विस फ्रैंक की, तो ये मतलब इट वॉज़ प्रिटी रीज़नेबल, और क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी होती है कपड़ों की। ये कुछ शर्ट्स थी, डिफरेंट पैटर्न्स थे, डिफरेंट डिज़ाइंस थे, 995 स्विस फ्रैंक, 25 फ्रैंक इसकी ओरिजिनल प्राइस जो सेल में 995 की थी, जो कि अच्छी प्राइस है। और इसके बाद ये कुछ ट्राउज़र्स थे, जीन्स नहीं थी, ट्राउज़र्स और कॉटन पैंट्स थी 39.95 स्विस फ्रैंक की, और क्वालिटी जैसा मैंने आपको पहले मेंशन किया कि इनकी बहुत अच्छी है कपड़ों की, सो इसलिए अगर दूसरे चीज़ों से, दूसरे ब्रांड से थोड़ी सी ज़्यादा भी हो प्राइस, तो वो बॉदर नहीं करती। ये कुछ जंपर्स आ गए 39.95 स्विस फ्रैंक, पीछे कुछ नियॉन कलर्स हैं, बहुत अच्छे बहुत प्यारे कलर, सभी कलर्स थे, डिफरेंट पैटर्न्स थे इनके पास। और इसके बाद ये वाली जो जैकेट थी, ये न्यू कलेक्शन में थी, और ये सेल में नहीं थी, इसकी प्राइस है 239 स्विस फ्रैंक्स, ये फुल प्राइस है इसकी, सेल में नहीं है ये वाली। और कलर इसका अच्छा था, ऑलिव ग्रीन टाइप का अच्छा लग रहा था। और इसके बाद अब ये कुछ एक्सेसरीज़ हैं इनकी यहाँ पर, ये जो बैग था आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक इट वॉज़ अ लेदर बैग, और ये 69.90 स्विस फ्रैंक का था, और अच्छा था, बिल्कुल क्लासिक बैग था, क्रॉस बॉडी बैग, अच्छा लग रहा था, किसी भी आउटफिट के साथ आप इसको कैरी कर सकते हैं। और इसके बाद ये एक ज़रा फैंसी टाइप की शर्ट थी थोड़ी सी, 49.90 स्विस फ्रैंक। अब हम आ गए हैं इनके स्कार्फ्स और बैग्स के सेक्शन में, और जितने भी यहाँ पे स्कार्फ्स थे सब पे 50% प्राइस ऑफ थी, और हर तरह के स्कार्फ्स थे इनके पास, नेटेड भी थे, कॉटन के भी थे, प्रिंटेड भी और प्लेन भी। और सबसे पहले ये जो स्कार्फ है इसकी प्राइस थी 25.95, और जो दूसरा वाला है इसकी प्राइस थी 39.95, और इस पर बहुत अच्छा सा पैटर्न बना हुआ था रेड और वाइट कलर का। और इसके बाद ये इनके बैग्स थे। अब हम आ गए हैं H&M में, और सबको पता है कि H&M हर जगह पे है, और इनकी प्राइस बहुत अच्छी होती है ऑलरेडी, और सेल में वो प्राइस और भी कम हो जाती है। जैसे ये जो सब जंपर्स लगे हुए थे, इनकी प्राइस थी 17.95 स्विस फ्रैंक्स सेल में,
और ये कुछ और जंपर्स लगे हुए थे, ये जो लेपर्ड प्रिंट वाला आप देख रहे हैं, इसकी प्राइस थी 1295 और ओरिजिनल प्राइस इसकी थी 30 Swiss francs 29.95, जो कि ऑलरेडी बहुत कम है और सेल में वो और भी कम हो जाती है। और ये सब जैकेट्स हैं डिफरेंट स्टाइल्स की, डिफरेंट टाइप्स की। ये वाला जो स्टाइल है पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जो ब्राउन जैकेट है 25.95 इसकी प्राइस है, और इससे कम में तो अब ये मिल नहीं सकती। और इसके बाद ये कुछ और जैकेट्स हैं, कुछ ब्लेजर्स हैं, डिफरेंट कलर्स में हैं, डिफरेंट स्टाइल्स हैं, कुछ लॉन्ग जैकेट्स हैं, कुछ शॉर्ट जैकेट्स हैं, जैसा जिसका स्टाइल है वो वैसा ले सकता है। उसके बाद ये शर्ट्स हैं, ये ट्राउज़र्स हैं, सब सेल। ये एक और यूरोपियन ब्रांड है C&A, बहुत ही मिडिल रेंज प्राइस वाला स्टोर है ये। इनकी भी प्राइसेस बहुत रीज़नेबल होती हैं, बहुत अच्छी प्राइसेस होती हैं। शुरू में ये सारी इनकी न्यू कलेक्शन लगी हुई थी, और इसके बाद ये जंपर्स थे जिनकी प्राइस 5 Swiss francs से स्टार्ट होकर थोड़ी आई थिंक 9 या 10 Swiss francs तक थी। और सभी कलर्स हैं इनके पास, डिफरेंट स्टाइल्स हैं। ये वाले तो जंपर्स थे, इनकी प्राइस स्टार्ट हो रही थी 9 Swiss francs से। और इसके बाद ये कुछ ट्राउज़र्स लगे हुए थे, ये जीन्स थी, जीन्स की प्राइस थी 29.90 से 15 Swiss francs, और जो कि बहुत अच्छी प्राइस है। और क्वालिटी भी ठीक होती है इनके कपड़ों की, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होती, लेकिन ठीक है, जो प्राइस आप पे कर रहे हैं उसके लिए ठीक है क्वालिटी। और ये 69.90 Swiss francs की जैकेट थी, ये सेल में नहीं थी, ये फुल प्राइस थी इसकी। और ये जो ऑलिव ग्रीन वाली जैकेट है ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, इसकी प्राइस है 79.90 Swiss francs, और अगेन ये फुल प्राइस है, ये सेल की प्राइस नहीं है। और इसके बाद ये कुछ बहुत कलरफुल से जंपर्स थे पीछे लगे हुए, 9 Swiss francs इसकी प्राइस थी, और ये वाला भी आई थिंक इसकी भी सेम प्राइस थी। ये जो पीछे आप सारी कलेक्शन देख रहे हैं ये सब न्यू कलेक्शन थी, ये सेल में नहीं थी। और डिफरेंट लॉन्ग टॉप्स भी हैं, शॉर्ट टॉप्स भी हैं, ये कुछ एक्सेसरीज़ आ गई, हैट्स वगैरह, बैग्स एक्सेट्रा। और इसके बाद ये ज्वेलरी का इनका जो सेक्शन था इन पे भी बहुत अच्छी सेल थी चीज़ों पे, ये 3 Swiss franc से ले के थोड़ी ऊपर तक इनकी प्राइस थी। मैंने अलग अलग तो हर चीज़ की प्राइस नहीं देखी, लेकिन बहुत अच्छी प्राइसेस थी सबकी, सब चीज़ों की। इयररिंग्स भी थे, रिंग्स भी, नेकलेसेस, जो भी ज्वेलरी की सारी आइटम्स होती हैं वो सभी यहाँ पे अवेलेबल थी। और ये वाले इयररिंग्स बहुत अच्छे लग रहे थे, स्टेटमेंट इयररिंग्स टाइप से अच्छे लग रहे थे। और कुछ और चीज़ें हैं इसके साथ, ब्रेसलेट्स वगैरह, और ये कुछ और नेकलेसेस आ गए, जो इनिशियल्स वाले नेकलेस होते हैं ये वो थे। ये अब कुछ और जैकेट्स आ गई हैं, ये सब विंटर की जैकेट्स थी, मोटी पैडेड जैकेट्स थी, बहुत अच्छी थी और प्राइस इनकी बहुत अच्छी थी, 49 Swiss francs में थी। और डिफरेंट कलर्स थे इसमें, 3 कलर्स अवेलेबल थे। और इसके बाद अब ये टेडी बेयर कोट्स आ गए, और सबको पता है कि टेडी बेयर कोट्स आजकल बहुत इन फैशन है। ये लॉन्ग कोट था और इसकी ओरिजिनल प्राइस थी 69.90 और सेल में 39 Swiss francs का था ये वाला। और ये जो इसके ऊपर पैटर्न बना हुआ, आई थिंक लेपर्ड प्रिंट है, आई एम नॉट श्योर, इसकी प्राइस थी 49 Swiss francs। ये भी स्टाइल सेम था, बस थोड़ा फ़र्क ही था कि ये इसके ऊपर पैटर्न बना हुआ था और जो दूसरा था वो सिंपल था। और ये वाला आ गया, ये भी उसी तरह का था मोर एंड लेस, लेकिन ये शॉर्ट था और इसमें भी ग्रे और वाइट कलर भी अवेलेबल था और ब्राउन कलर भी था, और इसकी प्राइस थी 19 Swiss francs। सो अब हम आ गए हैं इनके बैग्स के सेक्शन में, और जितने भी बैग्स आप देख रहे हैं इस वक्त इन सब की प्राइस थी 19.90 Swiss francs, और डिफरेंट कलर्स अवेलेबल थे, डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल थे। और मेनली ये सब क्रॉस बॉडी बैग्स थे, ये मैरून वाला बहुत अच्छा लग रहा था। और इसके अलावा ये कुछ और हैं, बड़े छोटे हर तरह के बैग्स थे, हर साइज़ के। और ये कुछ और बैग्स आ गए, इनकी प्राइस है 24.90, इसमें ये रेड वाला बहुत अच्छा लग रहा था। और इसके बाद ये कुछ विंटर की जैकेट्स लगी हुई थी जिनकी प्राइस थी 19.90 Swiss francs, और ये लास्ट 2 आर्टिकल्स ही बस रह गए थे इनके लास्ट पे। ये एक छोटी सी एक्टिविटी थी बच्चों के लिए, और यहाँ पे बच्चे ये लॉलीपॉप बना रहे थे और इसको डेकोरेट कर रहे थे। ये एक बेयर की शेप का लॉलीपॉप था, और मोहम्मद क्योंकि थक गया था सब घूमने के बाद और सब शॉपिंग के बाद, तो मैं इसको हेल्प कर रही थी ताकि जल्दी से इसका लॉलीपॉप तैयार हो जाए। और इसके साथ ही यहाँ पे आज के व्लॉग को करते हैं ख़त्म। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और स्टे ट्यून फॉर मोर व्लॉग्स। थैंक यू एंड बाय।